सो है गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया है किस तरीके से आप इंस्टॉल वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में रील्स वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, या बोल सकते हो किस तरीके से आप इंस्टॉल के अंदर वीडियो कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। तो पूरा ट्यूटोरियल में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है और वीडियो के एंड तक देखना और स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ इंस्टॉल वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में। तो इंस्टॉल ओपन करने के बाद सिंपली आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना वीडियो सिलेक्ट करेंगे जिसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने अपना वीडियो सिलेक्ट कर लिया और इस वीडियो के साथ मैं अपना दूसरा वीडियो को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोनों वीडियो को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो एड का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो वीडियो आ जाएगा आपका इंस्टॉल एप्लीकेशन में। सो ये आप देख सकते हो और यहाँ पर मैंने दो वीडियो सिलेक्ट किया था तो दोनों वीडियो आ चुका है। सो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाया था, कुछ इस टाइप का है। अभी हमें क्या करना है, अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन कर लेना है। ये जो साइड में आपको ब्लर इफेक्ट दिखाई दे रहा है इसको हमें रिमूव कर लेना है और हमें वीडियो को पूरी स्क्रीन पर फुल कर लेना है। तो इसके लिए कैनवास के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से 9:16 को चूज़ कर लेंगे तो आपका वीडियो फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद सिंपली कर देना है डन। सो इतना करने के बाद वीडियो फुल स्क्रीन बन चुका है। अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है जिसका नाम है फिल्टर। सिंपली फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ से आपको सिंपली एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से सबसे पहले आपको ये जो लाइटनेस का ऑप्शन आ रहा है इसके जो वैल्यू है अराउंड 5% आपको कर लेना है। उसके बाद आपको मिलेगा कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट को आपको 5% कर लेना है इसका वैल्यू। एंड देन आपको आ जाना है सेचुरेशन पर और यहाँ से सेचुरेशन का वैल्यू आपको अराउंड 10% कर लेना है। इतना करने के बाद आपको सीधा आ जाना है HSL पर। सो HSL टूल को यूज़ करके हमें अपनी वीडियो का जो बैकग्राउंड कलर है उसे चेंज करना है। इनका जो वैल्यू आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है इस तरीके से। सो आप देख सकते हो वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। सो जिस तरीके का कलर आप रखना चाहते हो अपनी वीडियो का बैकग्राउंड में, आप इसका वैल्यू उसी के हिसाब से रख लेंगे। तो मैं कुछ इस टाइप का रखना चाहूँगा और इसका वैल्यू देख लेते हैं। सो इसका जो वैल्यू, इसको भी हम नीचे की तरफ लेके आएंगे एंड इसका जो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हमें आ जाना है सेचुरेशन पर। आप सेचुरेशन पर आने के बाद यहाँ से अगेन हमें इनका जो वैल्यू है उनको चेंज करना है। लाइक इसको हमें ऊपर की तरफ रख लेना है और इसका जो वैल्यू है अगर आप इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे तो आपका वीडियो कुछ इस टाइप का कलर ग्रेड हो जाएगा, यानी कि वीडियो का बैकग्राउंड जो डार्क हो जाएगा। और अगर आप इसे ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो आपका वीडियो कुछ इस टाइप का जो है कलर ग्रेड हो जाएगा। सो यहाँ से आप अपने हिसाब से जिस तरीके से करना चाहते हो उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको आ जाना है लुमिनेंस पर और यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग में दो ऑप्शन मिलता है इनका जो वैल्यू आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। सो अगर आप इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे तो आपकी मॉडल का जो फेस है वो कुछ इस टाइप का ख़राब हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है और इसका भी वैल्यू हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है, लाइक इतना तक और इसका भी वैल्यू इतना तक, ठीक है। सो अभी हमें सिंपली कर देना है डन। एंड मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाया था। सो ये बिफोर कुछ इस टाइप का था हमारा वीडियो और आफ्टर कुछ इस टाइप का है। सो ये आप देख सकते हो, तो कलर हमारा चेंज हो चुका है हमारे वीडियो पर, जो कलर इफेक्ट आ चुका है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हाईलाइट, तो हाईलाइट के ऊपर क्लिक करना है। इसका वैल्यू आपको अराउंड 20% कर लेना है एंड यहाँ से आपको आ जाना है सीधा शार्पन पर। अब शार्पन पर आने के बाद इसका जो वैल्यू आपको 40% कर लेना है। सो 40% मैंने कर लिया, अभी इसको सिंपली कर देते हैं डन। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली कर देना है डन। सो ये हमारा सबसे पहला जो वीडियो है इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर लिया, आप देख सकते हो। अभी हम आ जाते हैं अपनी दूसरी वीडियो पर जो हमने ऐड किया था। सो ये हमारा दूसरा वीडियो। सो इसका भी बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, तो इसके लिए फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सबसे पहले फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर मिलेगा जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये वाला फ़िल्टर, सो इसकी मदद से आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कलर एक क्लिक में कुछ इस टाइप का कर सकते हो और इसका वैल्यू आप यहाँ से थोड़ा कम कर सकते हो, लाइक आप इसको 80% तक रख सकते हो। सो अभी देख सकते हो बिफोर एंड अभी आफ्टर, तो एक क्लिक में आप इस तरीके से कलर ग्रेड कर सकते हो। सो यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओरिजिनल और यहाँ पर हमें आ जाना है सीधा एडजस्ट पर एंड यहाँ से हमें आ जाना है HSL पर। अब HSL पर आने के बाद आपको ये जो इस लाइन दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू आपको ऊपर की तरफ लेके आना है और इसका भी वैल्यू आपको ऊपर की तरफ लेके आना है, या आप नीचे की तरफ भी ले आ सकते हो। सो नीचे की तरफ लेके आएंगे तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। सो हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है इसको
और ये आप देख सकते हो जो स्काई का कलर है वो रिप्लेस हो रहा है इस लाइन की मदद से। तो आप इसको यूज़ करके स्काई का जो कलर उसे रिप्लेस कर सकते हो बहुत ईजिली। एंड देन आपको आ जाना है सेचुरेशन पर, और यहाँ से हमें जो है इसको क्या करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है इस येलो टोन को, और इसको भी हमें ऊपर की तरफ लेके आना है कुछ इस टाइप से। और इस लाइन की मदद से आप स्काई का जो कलर है उसको डार्क कर सकते हो लाइक कुछ इस टाइप का। सो ये आप देख सकते हो। सो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप इसका जो वैल्यू ऊपर के साइड में लेके जाएंगे। सो हमारा जो स्काई का कलर है वो काफ़ी बेहतरीन बन चुका है, और हमारे वीडियो का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अभी आपको आ जाना है लुमिनेंस पर, और यहाँ से इसका जो वैल्यू इंक्रीज करना है। सो इतना परसेंट कर लेना है लाइक 65% कर लेना है। इसका वैल्यू भी आपको कर लेना है अराउंड 40% आपको कर लेना है इसका वैल्यू। सो उसके बाद इसका जो वैल्यू है, सो इसका वैल्यू हमें अराउंड 45% कर लेना है, ठीक है। मैं अपनी अकॉर्डिंग अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग रख रहा हूँ इन सब का वैल्यू, लेकिन आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग रख सकते हो। सो उसके बाद ये जैसे हम इसको ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाया था बिफोर एंड आफ्टर। सो हेयर इज़ द बिफोर एंड हेयर इज़ द आफ्टर। सो आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर और स्काई का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है, एंड मॉडल का जो फेस वो भी काफ़ी वाइट हो चुका है। सो पहले कुछ इस टाइप का था, अभी कुछ इस टाइप का है। सो अभी इसको सिंपली कर देते हैं डन। सो डन करने के बाद आप यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ से इसका हाईलाइट इंक्रीज कर सकते हो लाइक 10% तक, और यहाँ से शार्पन को आपको अराउंड 30% तक कर लेना है। सो मैं 30% कर लिया। एंड यहाँ से आपको कुछ यूज़ नहीं करना है, सिंपली सेचुरेशन को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है अराउंड 10%। सो अभी परफेक्ट है, अभी हमारा वीडियो नेक्स्ट लेवल का कलर गेट हो चुका है। तो यहाँ से इसको सिंपली कर देना है डन, एंड डन करने के बाद दोनों वीडियो कलर गेट हो चुका है। सो ये हमारा सबसे पहला वीडियो, इसका बैकग्राउंड कलर हमने कुछ इस टाइप का कलर गेट किया, और ये हमारा दूसरा वीडियो। सो इसका बैकग्राउंड कलर हमने कुछ इस टाइप का किया लाइक आप देख सकते हो। सो दोनों का वीडियो का बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर लिया। अभी हमें अपनी वीडियो को सेव करना है, तो इसके लिए सेव के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप रेजोल्यूशन चूज़ कर लेंगे 4K, और फ्रेम रेट आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे 60 FPS, एंड सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप इनशॉट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में रील्स वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, या किसी भी टाइप का वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, या बोल सकते हो कलर ग्रेड कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।